Essa banda atual é Unique Papai. E a noite, Ranking Star. Com o apoio da capacidade técnica, Zen Padrão. Dissesse que depois de ser o caminho do papai, com a chuva, de Lockheed, o segundo líder, Tchapa, Paul Sivitra e o Tom. Tchim, uma dica, e o Nick Padrão. Esse é o papai. Este canal se rinde a trabalho. Que metal para o que o papel de mal. Para o que é sala de peixe. Na qual chefe, cheio que o papel de mal. Dique de alça, não manda dique o papel de mal. Mecânico deixe se vir. E sete de curar. Já vai sala de peixe. Pede sala de peixe. Vai sala de jogo sobre o meio. Ou vai sala de mal de mal. Por um daqui. Os jogos de ontem. De cena não dá dica o papel. Chuva não dá dica. A mão cheia se puxa. Que vou que haga. Tá cheio de mim. Não dá nem que vai. Que vou que você haga. Lá nessa meta que você haga. Chega de sangue. Ó, o nome não dá. Vou lá no nome que ele haga. Tá na não dá dica. Que vou chuva. Se você falou que não liga na jaca. Dispensa não dá que. Se não diga o que passa não dá que já. Shijin is a long way to go. In a given moment, I'm a strong dancer. I'm a hostile fashion officer. The only part of the world. Joe, I'm a free food is not the part of the world. All the people, as I am not a particular thing to get the money. For a number of people, I'm not a free food to get my new set of money. Or for the dog is making me, let him show me the dog, wishing me, down of them have been one. In some way, कहाँ कहाँ तपस चलिया की इसका भी विस्तृत वर्णन श्री नर्मदा पुराण में आता है। नर्मदा पुराण के रचयिता महर्षि मार्कण्डेय है, जो भारत की ऐतिहासिक प्राचीन परंपरा में आठ चिरंजीवियों में से एक है। श्री नर्मदा जी प्रतिकल्पा भूत कहा गया है, अर्थात कल्प के समाप्त होने पर जब प्रलय होता है तो सारा विश्व और पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। श्री नर्मदा जी फिर भी बनी रहती है। कभी उन्हें एक छोटी कन्या के रूप में तरकारियां भरते हुए क्षीर सागर में, तो कभी 14 वर्ष की एक बालिका के रूप में भीम से खेलते हुए श्री मार्कण्डेय जी द्वारा देखा गया। वैज्ञानिक दृष्टि से भी श्री नर्मदा जी की आयु एक नदी के रूप में लगभग 4 करोड़ वर्ष मानी जाती है। अर्थात नर्मदा जी गंगा जी से कई हजार वर्ष पूर्व से विद्यमान है। सतपुरा और विंध्याचल इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती है। जबलपुर के आसपास के रॉक फॉर्मेशन की आवी मेरी नदी से यह पता चला है कि ये रॉक फॉर्मेशन लगभग 2 करोड़ वर्ष पुराने हैं। आधुनिक विज्ञान में इस बात को मानता है कि भारत उपमहाद्वीप का भूखंड समुद्र में धीरे धीरे खिसकते हुए आकर एशिया से चिपका, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ और फिर हिमालय के ग्लेशियर्स का निर्माण हुआ और फिर से गंगा जी का निर्माण हुआ। जबकि भारतीय भूखंड में नर्मदा जी पहले से विद्यमान थी। अंतिम जो नर्मदा जी के अविवाहित रहने का कारण है, ये एक रोमांटिक स्टोरी के रूप में लोक कथाओं में प्रस्तुत की जाती है कि उनकी चिरयौवना 14 वर्षीय कुमारी माँ नर्मदा केवल इसलिए पश्चिम की तरफ रहने लगी क्योंकि उनका प्रेम भंग हो गया था। वास्तविकता ये है, वो एक किशोरी कन्या है जो सभी नदियों से अपनी भिन्नता को दिखाने के लिए पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा के स्वरूप को लेकर हमें स्पष्ट पता होना चाहिए कि श्री नर्मदा जी शिव स्वरूपा है। मृग जन्म पहनती है और सिर पर, कमर पर, बाहू में, कलाइयों में गहने की जगह सर्पों को धारण करती है। एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में शरीर को हृदय के सामने पकड़कर माता लक्ष्मी के ऊपर बैठकर जल में निहार करती है। उनकी सहेलियों के रूप में उनकी अन्य लगभग 40 प्रमुख उप नदियों को देखा जाता है, जो स्थान स्थान पर नर्मदा जी के बहाव को प्रदान करती है। ये भी कहा गया है कि कलियुग के आने पर नर्मदा जी अपने प्रभाव से अन्य नदियों को जीवित करेंगी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नर्मदा जी के जल को साबरमती में
और श्री शिवराज सिंह चौहान जी के बाद नर्मदा जी के जल को शिप्रा नदी में छोड़कर देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि साबरमती और शिप्रा इन दोनों को ही नर्मदा जी ने जीवन दान दिया। श्री नर्मदा जी विश्व की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा यदि विधि विधान से की जाए तो उसमें 3 वर्ष 3 माह 13 दिन लगते हैं। ये परिक्रमा एक श्रेष्ठ स्तर के आध्यात्मिक साधना एक प्रकार की तपस्या मानी जाती है। इस परिक्रमा को श्री मार्कंडेय जी ने बारहा राशि में किया था। हजारों साधकों के परिक्रमा के द्वारा श्री नर्मदा जी ने आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं। कईयों का दर्शन हुए हैं, कईयों की इच्छाएं पूरी हुई है, क्योंकि लोगों से मुक्ति हुई है। आज नर्मदा जी पर बने हुए बड़े बड़े बांधों से बहुत बड़ी मात्रा में विजय उत्पन्न हो गई है, जिसने मध्य प्रदेश को आवास सागर स्टेट बना दिया है। मध्य प्रदेश की लगभग 60% भूमि को इन बांधों के निर्माण द्वारा सिंचित किया गया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि थर्मल अवार्ड प्राप्त हुआ है। श्री नर्मदा जी के तटों पर 1 से 1 सुंदर पर्यटन स्थल भी बना है, जिनके कारण जबलपुर के स्वर्गीय अन्य गांव बटन ने नर्मदा परिक्रमा पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम सौंदर्य की नदी रखा। दुनिया की दुर्गा मूर्तियों में से एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी श्री नर्मदा जी के पात्र के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनवाई गई है, तथा आदि शंकराचार्य जी की 108 फुट ऊंची मूर्ति की स्थापना ओंकारेश्वर के पास नर्मदा जी के पात्र के बीच में एक टापू पर आगामी 1 वर्ष में स्थापित होगी।